यह खबर भिवानी से। विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा टिकटों के वितरण के बाद जहां टिकट मिलने से नाराज लोग पार्टी की मुखालिफ कर रहे हैं, वहीं जिनको टिकटें अभी पेंडिंग है उन्हें भी कटने का डर सता रहा है, जिसके चलते पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए टिकटार्थी अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर दिल्ली कूच करने का प्लान बना रहे हैं। भिवानी जिला के भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व CPS व 3 बार के विधायक रामकिशन फौजी की टिकट फंसने की चर्चाओं के बीच आज उनके निवास पर उनके बेटे व युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विकास कुमार व उनके कार्यकर्ताओं ने पंचायत का आयोजन कर 8 सितंबर को दिल्ली कूच करने की चेतावनी दी। आज जो है, क्योंकि चुनाव का समय है, सभी पार्टियां अपनी अपनी मजबूती के लिए क्षेत्र में उतरी हुई हैं। आज हमारे कार्यकर्ता साथियों ने इकट्ठा होकर के जो है चुनाव के बारे में आगे की रणनीति बनाई है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने जो चीज़ें कार्यकर्ता साथियों के समक्ष रखी कि आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार है और फौजी साहब जो हैं उनके नेतृत्व में हम भवानीखेड़ा हल्के में जो है लड़ाई लड़ेंगे। आज जो मीटिंग हुई उसमें कई बातें आई हैं कि आप लोग मिल करके टिकट